इगतपुरी दलाल एजेंट के हाथों शादी करना बेलगांव करा ले। तहसील इगतपुरी यहां के युवक को महंगा पड़ा। सातारा जिला में दलालों ने युवती के साथ मिलकर लाखों रुपए इस लड़के से वसूल किए। इतना ही नहीं तो शादी कर लेने के बाद दूसरे ही दिन वह लड़की सारे जेवरात लेकर भाग गई। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। इगतपुरी तालुका बेलगांव दराले यहां लक्ष्मण अशोक मोरे 26 वर्षीय लड़के को फंसाया गया है। उसकी शिव शरण में तालुका कराड जिला सातारा यहाँ रेखा संजय पाटिल सदा पाटिल वर्षा उर्फ चंदा पाटिल उनसे केवल बोलचाल के संबंध थे। उन्हीं को लड़की देखने को कहा गया था। इन्हीं लोगों ने इचलकरंजी जिला कोल्हापुर यहाँ लड़की है लेकिन उसके घर की हालत कर दी और शादी हो गई। शादी के लिए हाँ बोलते समय मध्यस्थी लोगों के हाथों पर 1.5 लाख रुपए रखे गए। उसके बाद में बेटे मांगनी बटे ब्याह 25 अप्रैल 2018 को हो गया। बड़ी धूमधाम से शादी करने के बाद लाखों रुपए के जेवरात लड़की को चढ़ाए। दूसरे ही दिन कपड़े धोने के बहाने वह घर से सोने के जेवरात लेकर वह अपने साथीदार मनोज देहाड़े इचलकरंजी इसके साथ घूमने में बैठकर भाग गई। दूल्हे लड़के ने सभी मध्यस्थी लोगों को फोन लगाया पर वे कहने लगे कि हमारी जवाबदारी अब नहीं रही। अनेक ऐसी शिकायतें पहले भी सातारा जिले में दर्ज है। नासिक जिला में ऐसी घटना घटी के लिए आवाहन पुलिस उप निरीक्षक आनंदा माली इन्होंने किया है। अनेक ऐसी शिकायतें पहले भी सातारा जिले में दर्ज है। नासिक जिला में ऐसी घटना जिसके साथ घटी उनके लिए आवाहन